वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लिप डिजाइन कैसे बनाएं। स्लिप डिजाइन के लिए मैं ये चूड़ी यूज करूंगी, इसकी सहायता से हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्लिप का साइज बता देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 9.5 इंच की लंबाई ली है और इसकी जो विड्थ ली है वो 10.5 इंच ली है, क्योंकि जो भी ये डिजाइन आप जब बना रहे हैं तो उसमें जो आपका स्लिप साइज है उससे 1 इंच इसकी विड्थ ज़्यादा ले लें। तो मैंने, जैसे कि मुझे 9.5 इंच चाहिए तो मैंने ये 10.5 इंच लिए, 1 इंच इसकी चौड़ाई बढ़ा दी है स्लिप की। और अब दो, देखिए अस्तर पे ही मैं कट कर रही हूँ। तो एक स्लिप को हम एक चूड़ी से डिजाइन देंगे, तो एक चूड़ी मैंने छोटी ली है, एक चूड़ी मैंने बड़ी ली है, तो दोनों चूड़ियों में 1 इंच का फ़र्क होना चाहिए। देखिए इस तरीके से मैंने दो चूड़ी ले ली है, तो एक चूड़ी से हम इस स्लिप में डिजाइन देंगे और एक चूड़ी से दूसरे से। पहले हम एक मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए मार्किंग हम 1.5 इंच पे कर लेंगे, सेंटर से ये बंद है तो 1.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं और इसी पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से, सेम इसी तरीके से जो दूसरा स्लिप है इसमें भी मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच पर ही। देखिए दोनों स्लिप में मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। तो पहले एक स्लिप पर डिजाइन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये बड़ी वाली चूड़ी ली है अभी, तो इस चूड़ी को हम यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे। आधी चूड़ी हमारी बाहर की तरफ जाएगी, जो भी हमारी मार्किंग है तो मार्किंग पे ये रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच प्लेन छोड़ देंगे। 1/2 इंच छोड़ने के बाद फिर से हम चूड़ी को इसी तरीके से यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए ये दो डिजाइन आई हैं और यहाँ पे हम 1/2 इंच फिर छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 इंच बच रहा है, तो 1 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके का ही गुलाई कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से भी चूड़ी को रख सकते हैं और सेम इसको भी इसी तरह से मार्किंग कर देंगे। अभी इसका काम कम्प्लीट हुआ है, इसको सेम ड्राफ्ट में इसको हम कट कर लेंगे और उससे पहले हम जो छोटी चूड़ी है उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए जो बड़ी वाली चूड़ी की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है और अभी जो छोटी चूड़ी ली है इसकी मार्किंग करते हैं। तो इस तरीके की ये मार्किंग हो जाएगी। सेम डॉट पर इसको भी कट कर लेंगे और सेम डॉट पर इस पीस को। इस मैंने कट कर लिए हैं, जैसे कि ये बड़ा वाली चूड़ी का है और ये छोटा चूड़ी का है। तो देखिए इसके भी स्लिप के सेंटर से दो पार्ट कर लें, क्योंकि ये दोनों स्लिप के लिए है। तो देखिए इसको हम स्लिप को सीधा रख लिया है, इसको यहाँ पे अस्तर को रख लेंगे और देखिए यहाँ से लेके पूरा हम इसको यहाँ तक स्टिच कर देंगे मोहरी तक पूरा, और डिजाइन को कट कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे। और जो दूसरा छोटा चूड़ी का है इसको भी इसी तरह से करेंगे, इसको भी सीधे पर रख लेते। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, सीधा स्लिप रख लिया है, उसके ऊपर जो हमने ड्राफ्ट किया था ये ड्राफ्ट रख लिया है। और देखिए यहाँ से लेके मैंने पूरा मोहरी तक स्टिच कर लिया है। जो ये पार्ट है इसको कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये निकाल दिया और अभी इसको सिलाई डाल के तैयार कर लिया। तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से हमने तैयार कर लिया किनारे पे सिलाई डाल के। इसी तरीके का दूसरा पीस है, उसको तैयार कर लूँगी। और देखिए मैंने ये लेस ली है, तो इस लेस को हम यहाँ पे इस तरीके जो शेप है सेम शेप में इसको स्टिच कर देंगे, यहाँ से लेते हुए पूरे मोहरी तक। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा के पूरे मोहरी तक स्टिच कर दिया डबल लाइन। और देखिए जो दूसरा पार्ट था, जैसे कि ये हमने छोटी चूड़ी वाला पार्ट लिया है और ये बड़ी वाली चूड़ी जो ली थी उसका पार्ट है, तो एक छोटी एक बड़ी चूड़ी का पार्ट इस तरीके से आप तैयार कर लें। अभी हम इसको इस तरीके से यहाँ पर
तैयार करने वाले हैं। तो जो डिज़ाइन हमारी आएगी वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो जो भी ये पार्ट है इनको हम अंदर दबाते हुए और स्टार्ट करते हैं एक तरफ से और यहाँ पे आके। तो देखिए पहले हम पिन से सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कवर कर लें, एक पिन लगा देते हैं। अगर पिन नहीं है तो आप इसको बड़ा टाँका लगा के भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये पीस हमारे इस तरीके की शेप आनी। तो देखिए जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देंगे। तो अभी यहाँ से लेके हम इस तरीके की जो डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन में सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई डाल दी। यहाँ पे आप दो बार सिलाई डाल दें जैसे क्या ये हमारे अच्छे से लॉक हो जाए। अभी जैसे ये आगे का पार्ट है तो आगे के पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग देनी है। तो जो एक्स्ट्रा कटिंग देनी है हम जो डिज़ाइन है हमारी यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लें। जो हमारा ये तैयार साइज है यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कटिंग नहीं देनी है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक देनी है और यहाँ पर भी नहीं देनी है। जो आगे पीछे इसको तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप दोनों स्लीव को आगे का पार्ट कट कर लें और जैसे आप नॉर्मल स्लीव लगाते हैं ब्लाउज में तो उसमें इसी तरीके से ये पार्ट आगे की तरफ आएगा और ये पार्ट पीछे की तरफ। तो देखिए जो लेस लगाई है इस पर मैंने यहाँ पर भी डबल स्टिच डाल दिया है और जो ये हमने डिज़ाइन यहाँ पर तैयार करी है यहाँ पर भी डबल स्टिच डाल दिया है, जितने भी हमारे ये पॉइंट है। और देखिए यहाँ पर भी हमारी लेस आ रही है। जब आप इसकी फिटिंग करेंगे तो ये डिज़ाइन आपकी इस तरीके की सेंटर में दिखेगी। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर ये डिज़ाइन हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस आसान तरीके से चूड़ी की सहायता से ये सुंदर सी स्लिप डिज़ाइन बना